दीपिका पादुकोण का 20 किलो का लहंगा, दीपिका पादुकोण के 11 किलो के गहने, दीपिका पादुकोण का 4 किलो का दुपट्टा, घूमर के लिए दीपिका को लगाने पड़े 66 चक्कर, घूम घूम कर जबरदस्त घूमर कर रही है दीपिका। श्रेया घोषाल और स्वरूप खान ने दी अपनी आवाज। पद्मावती के घूमर सॉन्ग को सिर्फ 2 दिन में ही करीब 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इस सॉन्ग को लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ को ये सॉन्ग बेहद ही अच्छा लगा तो कुछ ने इसे ट्रेडिशनल घूमर के मुकाबले कमजोर बताया। सिर से पांव तक सजी महारानी पद्मावती उर्फ दीपिका पादुकोण घूमर डांस परफॉर्म करती नजर आती है। इस गाने को श्रेया घोषाल और स्वरूप खान ने आवाज दी, साथ ही इसके राजस्थानी लिरिक्स भी स्वरूप खान ने ही लिखे। वहीं दीपिका पादुकोण ने भी इस गाने के बारे में ट्वीट करते हुए बताया कि ये गाना मुश्किल गानों में से एक है। दीपिका पादुकोण ने कहा, घूमर सॉन्ग संजय सर के साथ शूट किया गया, अब तक का सबसे मुश्किल सीक्वेंस है। मैंने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कई महीने पहले इस कैरेक्टर के लिए तैयारियां करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये घूमर सॉन्ग ही था जिसके लिए मैं सेट पर पहली बार बतौर पद्मावती आई थी। पद्मावती की शूटिंग की शुरुआत घूमर सॉन्ग के साथ हुई और मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकती। शूटिंग के दौरान मुझे लगा कि पद्मावती की आत्मा मेरे शरीर में आ चुकी है। वो एहसास आज भी मेरे अंदर है और कई सालों तक रहेगा। बता दें कि इस फिल्म में शाहिद राजा रावल रतन सिंह का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं रणबीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में नजर आएंगे। भंसाली प्रोडक्शन की ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। फॉर एंटरटेनमेंट डेस्क, लकी चिकवानी न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।